राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस मसले को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। पंजाब को ये फटकार क्यों लगाई गई है, क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कई राज्यों में ब्लेम गेम का दौर जारी है। कई राज्य एक दूसरे पर पराली जलाने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने पराली जलाने को लेकर पंजाब को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त लहजे में पराली जलाने से रोकने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार कुछ भी करे लेकिन पराली जलाने की घटनाएं रोके, सरकार राजनीतिक दोषारोपण का खेल बंद करे, पंजाब में धान की खेती का विकल्प ढूंढा जाए, धान की खेती से क्रमवार तरीके से बाहर निकलना जरूरी, पंजाब ने अब तक पराली को खाद में क्यों नहीं बदला, मोटे अनाज के विकल्प ढूंढने में केंद्र मदद करे। आपको बता दें कि पराली जलाने के मामलों में पंजाब में बीते दो साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सैटेलाइट डाटा के अनुसार 5 नवंबर को पंजाब में 3230 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। वहीं पंजाब के अलग अलग जिलों में पराली जलाने के मामले कितने हैं, अब ये भी देख लीजिए। पंजाब में सबसे अधिक संगरूर में 551 मामले, फिरोजपुर में 299 मामले, मानसा में 293 मामले, बठिंडा में 247 केस। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी राज्य की राष्ट्रीय राजधानी से निकटता का हवाला देते हुए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट के लिए हरियाणा को दोषी ठहराने की मांग की थी। वहीं सैटेलाइट डाटा के अनुसार पराली को लेकर आई जानकारी के बाद अब पंजाब की पोल खुल चुकी है और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब को कड़ी फटकार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बढ़ते प्रदूषण को लेकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते हरियाणा के 3 जिलों में अगले आदेश तक स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन बहादुरगढ़ के एक स्कूल में इन सभी आदेशों को दरकिनार रखते हुए स्कूलों को जारी रखा गया। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा की हवा प्रदूषित हो चुकी है। इस जहरीली हवा का असर कुछ इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। किसी को आंखों में जलन हो रही है तो किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में सरकार और प्रशासन लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि इस तकलीफ को दूर किया जा सके। प्रदेश के 3 जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर शामिल हैं। सरकारी आदेश लागू होने के बाद भी बहादुरगढ़ में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बहादुरगढ़ में सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर स्कूल खोले गए हैं। आप बहादुरगढ़ में देखिए किस कदर प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ जहां झज्जर जिले के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने देर रात जिले भर के सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखने के आदेश जारी किए थे, बावजूद इसके इलाके में स्कूल खोले गए हैं। जहरीली हवा के बीच छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बहादुरगढ़ में प्रदूषण का स्तर काफी खराब स्थिति में है। इसके बाद लोग खुले में कूड़ा जला रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, जबकि आदेश जारी किए गए हैं कि सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया जाए। डीसी साहब ने तो स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है, इससे बच्चों की शिक्षा पर भी काफी असर पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम थोड़े जागरूक होंगे तो जल्दी से इसे प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। आपने बहादुरगढ़ के हालात देखे, इन हालातों को ठीक करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। खुद जिला उपायुक्त ने सख्ती से आदेशों का पालन करने की बात कही। देखिए, ग्रेड जो है, ग्रेडेड रिस्पांस टू एयर पोल्यूशन, जो
स्कीम लागू की गई है पिछले दो वर्षों से, उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव निकला है, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन का लेवल जो है वो 400 तक पहुंच गया है, जिसके अंदर स्टेज फोर के रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाते हैं। स्टेज फोर के रिस्ट्रिक्शंस में बड़ी संख्या में कमर्शियल व्हीकल्स के मूवमेंट पर NCR के अंदर जाने में रोक है, अन्य विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों पर, वाणिज्यिक संस्थानों पर भी विभिन्न प्रकार की रोक है। उसी अनुसार से आदेश डिटेल में आदेश जारी कर दिए गए हैं और वो आदेश सभी विभागों को, सभी संबंधित लोगों को मानने अनिवार्य है। जिला उपायुक्त की ओर से सख्ती करने की बात कही गई, बावजूद इसके बहादुरगढ़ में स्कूलों को खोला गया, खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। अब जब प्रशासन की ओर से सख्ती की गई है तो फिर क्यों स्कूलों को खोला गया है? क्या स्कूल प्रशासन के पास स्कूल बंद के आदेश नहीं पहुंचे, या फिर ऐसे आदेशों के बाद भी स्कूल प्रशासन हट धर्मिता कर रहा है? प्रदूषण से बड़े हो या छोटे, सबको नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना और स्कूल को खोलना खुद सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि पिछले दिन नियमों की अवहेलना के कारण ही बहादुरगढ़ नगर परिषद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और HSIIDC पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। प्रदूषण कम करने के लिए आम लोगों को खुद ही जागरूक होने की आवश्यकता है और जरूरत है कि नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़।